मंडी की शेफाली शर्मा मिसेज इंडिया में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएगी। मिसेज इंडिया हिमाचल 2018 ग्रैंड फिनाले में 21 मेन कैटेगरी में मिसेज हिमाचल का ताज शेफाली शर्मा के सिर पर सजा है। इसके बाद उनका चयन मिसेज इंडिया के लिए हुआ है। मिसेज हिमाचल प्रतियोगिता का आयोजन मिसेज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन मुंबई व हिमाचल फिल्म सिटी की ओर से किया गया। शेफाली शर्मा ने बताया कि मिसेज हिमाचली प्रतियोगिता दूसरी बार हिमाचल में आयोजित हुई है। इससे पहले अन्य राज्यों में ही ये प्रतियोगिता आयोजित होती रही है। हिमाचल में विवाहित महिलाओं के लिए इस तरह का इवेंट करवाना काफी बड़ा रहा। प्रतियोगिता की नेशनल हेड दीपाली फर्नांडिस के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के जरिए महिलाओं को अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा व मान सम्मान बढ़ाने का सुनहरा अवसर मिला है। महिलाओं के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से हर महिला अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकती है। शेफाली ने बताया कि वे समाज में महिलाओं को उनके क्षेत्र में उनकी पहचान दिलाने के लिए कार्य करेंगी। इससे उनके अंदर छिपी प्रतिभा को सामने लाया जा सकेगा और वे बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगी। शेफाली शर्मा ने बताया कि वे ड्रग एडिक्ट कन्या भ्रूण हत्या व अन्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए भी काम करेंगी। उन्होंने कहा कि वे नेगेटिविटी को दूर करना चाहती हैं ताकि इस तरह के रेप कांड कहीं भी घटित ना हो। आपको बता दें कि मिसेज हिमाचली शेफी शर्मा छोटी काशी से संबंध रखती हैं और अब वे मिसेज इंडिया में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगी। मेरा नाम शेफाली शर्मा है। मैं छोटी काशी हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं आजकल बेसिकली मतलब हिमाचल से हूँ बट मैं दिल्ली में स्टाफ नर्स हूँ चैरिटेबल हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे स्टार्टिंग से शौक था कि मैं कुछ करूँ अपने सिटी के लिए, अपने स्टेट के लिए। तो मतलब इंटरेस्ट भी था कल्चर एक्टिविटीज में, पर कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक आऊँगी। और मुझे एक बार सोशल साइट में इस कॉन्टेस्ट का पता चला तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए। नहीं जीतूंगी कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव थिंग्स थे मेरे कि मुझे आगे जाना है। तो मैंने अप्लाई किया, मुझे कॉल्स आई, क्वेश्चनिंग हुई। क्वार्टर फाइनल्स के लिए मैं सोलन गई, वहाँ पे ऑडिशंस हुए, क्वेश्चनिंग जो भी पूछा गया मैंने आंसर दिए। उसमें सेमीफाइनल में गई, सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंची और वहाँ पे बहुत टफ कॉम्पिटिशन था। मतलब अच्छे से अच्छे लेवल की लेडीज और एक से बढ़ के एक लेडीज थी। मतलब आप किसी को वीक नहीं मान सकते थे, लेकिन मेरी शायद मेरी पॉजिटिव थिंग्स जो थी और मेरी जो हॉनेस्ट नेचर थी उसकी वजह से शायद मुझे आज ही एक राउंड मिल गया और ये मोमेंटो मिला। और इसके बाद मतलब मिसेस हिमाचल बनने के बाद अब मैं मिसेस इंडिया के एशिया में जाऊंगी। मैं मिसेस इंडिया एशिया में फाइनलिस्ट हूँ। उसके बाद मैं मतलब अभी मिसेस इंडिया जीत जाऊंगी तो उसके बाद मिसेस इंडिया मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मिसेस इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। और मैं हिमाचल फिल्म सिटी का थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मुझे मतलब इस मुकाम तक पहुंचाया।